कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ दिल्ली की तरफ से आयोजित नेशनल उर्दू अवार्ड प्रोग्राम हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत के सभी राज्यों से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 100 शिक्षक कर्मचारियों को नेशनल भाषा टीचर अवार्ड नेशनल उर्दू अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के मोहम्मद अयूब खान को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में नेशनल उर्दू अवार्ड नेशनल भाषा अवार्ड नेशनल उर्दू टीचर अवार्ड से सम्मानित करने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में खुशी की लहर है। मोहम्मद अयूब खान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। ज्ञात रहे कि मोहम्मद अयूब खान ने उर्दू के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले के कई पिछड़े इलाकों में उर्दू शिक्षा को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई है, साथ ही उर्दू को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। मोहम्मद अयूब खान ने कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों चौधरी वासिल अली, विकास कुमार राणा, तालिब सीमा भाटी सैनी व सैयद मेहताब इब्राहिम आदि का निष्पक्ष चुनाव करने पर आभार व्यक्त किया। बता दें कि ये अवार्ड 29 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में आयोजित प्रोग्राम में दिया जाएगा। मुबारकबाद देने वालों में टेट पास मुअल्लिम रहबरे उर्दू एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेर सफिया फरीदी व जुबैर खान, अलीम खान, वसीम अहमद, डॉक्टर सद्दाम, गौसिया मिर्ज़ा, इरफान व अन्य चाहने वाले शामिल हैं। मैं मोहम्मद अयूब खान, उपाध्यक्ष टीटी पास मौलम रहवरी उर्दू एसोसिएशन 4000 उर्दू भर्ती। हम 4000 उर्दू भर्ती के आवेदक चार साल से लगातार ठोकरें खाते चले जा रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हमारे हक में 3 बार फैसले दे दिया, सिंगल बेंच, डबल बेंच और रिव्यू में सरकार पहुँची, सब जगह वो हार चुकी है। हमारे हक में फैसला आया है, उसके बाद में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अनसुना करते हुए योगी जी हमें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारी काउंसलिंग भी हो चुकी है। तो हमें, हमारी प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी समस्या का समाधान करते हुए हम जो बेरोज़गार 4000 उर्दू भर्ती के भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, हमारी भुखमरी को दूर करते हुए हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें। धन्यवाद।